हाँ बोलो राजा। हाँ देख लो, राजा नाम मेरा है लेकिन हुक्म तुम्हारी बजाते हैं। बोलो क्या हुक्म है? किस बारे में? अरे उसी कार के बारे में। क्या करना है? उसमें करना क्या है राजा, उसे ठिकाने लगा दो। ठीक है, तुमने बोल दिया तो ठिकाने भी लगा देते हैं। अच्छा तो वहीं आ रहा हूँ मैं। कहाँ? वहीं जहाँ इस वक्त तुम हो। देखो अगर मुझसे मिलना हो तो मेरे दूसरे वाले ऑफिस में आना, यहाँ पे आने की गलती मत करना। ओके ओके भाई, ऐसी गलतियाँ राजा कभी नहीं करता। मिलने से मतलब है, चाहे कहीं मिलो। राम 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 राम। भाभी, जो भी हमारी बेटी निकिता के साथ हुआ उसका दुख तो है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं है। पूछो तो क्यों? क्योंकि मुझे तो पता था ना कि पहले से ही ऐसा कुछ। लेकिन मिट्टी डालो, जो हुआ सो हुआ। निकिता बेटे, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू फिकर बिल्कुल मत कर, जी छोटा मत कर। तेरी बुआ है ना, मैं हूं ना, अब मेरी जिम्मेदारी है तेरी अच्छी जगह पर शादी करवाने की। हाँ, सोनिया के लिए तो रिश्ते में देख ही रही हूँ, लिस्ट में साथ ही साथ तेरा नाम भी लिख दूंगी, है ना भाभी? लो कर लो बात, मेरे तो दिमाग से बात ही निकल गई थी। भाभी तुम्हें बताना था कि मेरी सोनिया के लिए रिश्ता आया था। तलाकशुदा था आदमी, दो बच्चे भी थे, लेकिन तुम तो मेरी सोनिया को जानती हो ना, उसने फौरन मना कर दिया। लेकिन हाँ भाभी, अगर तुम कहो तो मैं निकिता के लिए उनसे बात करने की कोशिश करके देखती हूँ। अब देखो भाभी, इससे अच्छा तो रिश्ता अब निकिता को नहीं मिल सकता ना। बुआ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप सोनिया की शादी उस तलाकशुदा आदमी के साथ करवा दीजिए। वैसे भी उसे शादीशुदा आदमी पसंद है। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि उसने इस रिश्ते के लिए ना कैसे कह दिया। राम राम। भाभी, तुम्हारी बेटी के तो तेवर ही नहीं मिलते भाभी। इतना सब कुछ हो गया है लेकिन इसके नाक पे गुस्सा यूं धरा रहता है। वो किसी ने खूब कहा है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी तक। आप दूसरों की बेटियों की चिंता करना छोड़ दीजिए और जाकर अपनी बेटी को संभालिए, जिसे बसे बसाए घर तोड़ने का बहुत शौक है। राम 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 राम। भाभी, ये तो कैसा झूठा इल्जाम लगा रही मेरी सोनिया पर? क्या बकवास कर रही है भाभी ये? अभी मैंने कुछ कहा ही कहा बुआ। कहना तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे शक सोनिया पर ही है कि राजीव के बर्थडे वाले दिन वो शादी का कार्ड जरूर उसी ने भिजवाया होगा। राम 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 राम। लो कर लो बात, खुद की शादी टूटती है खुद की गलतियों से और मेरी बच्ची को इल्जाम दे रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, तेरी तो शादी शुरू से ही गड़बड़ थी। पहले फेरों में ही तू भाग गई थी, उसके बाद तूने नेहा की शादी करवा दी, फिर नेहा को हटा के खुद फिर वापस आ गई। राम 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 राम। बुआ, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? चाहिए घर जाकर अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढिए। और थैंक्स, मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, समझी आप? राम 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 राम। भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रहा। सच कहती हूँ भाभी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए भलाई। वैसे भाभी, जो ऐसी बेटियां होती है ना, यही बेटियां माँ बाप के घर में ही बैठी रह जाती हैं, क्योंकि इन्हें कोई सही ढंग का रिश्ता नहीं मिलता और ढंग का घर भी नहीं मिलता, उनकी तेवरों की वजह से। और मेरा तो क्या है भाभी, तुम सबसे प्यार करती हूँ, अपना समझती हूँ, सो बोल देती हूँ, राम राम, नेकी करती हूँ और फिर दरिया में डाल देती हूँ। क्या बात है शनाय? बैठो 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 बैठो। ये इतना गुस्सा फाइलों पे क्यों निकाल रहे हो? मेरे हाथ से निकल गया बाबा सर। जानते हैं ये बात तुम्हारे रेपुटेशन के खिलाफ जा सकती है, क्योंकि पूरे पुलिस सर्कल में ये मशहूर है कि शनाय के हाथ से कोई क्रिमिनल बच के नहीं जा सकता। बच तो बाबा भी नहीं सकता सर, उसने एक कोशिश जरूर की है बचने की। उसने मेरे सबसे अहम गवाह को मरवा दिया। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये काम बाबा ने किया?
मैं जानता हूं उसके शातिर दिमाग को सर। एक तरफ तो गोलियां चलवा दी ताकि हम लोगों का ध्यान बढ़ जाए, और दूसरी तरफ गाड़ी वाला अपना काम कर गया। शना, जानते हो इसका मतलब कि इस काम में अकेला बाबा नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। इस बात का पता तहकीकात में चल जाएगा सर, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे एक ही इंसान का हाथ है, वो है समीर गुप्ता। एक बेधड़क इंसान है वो। दिन दहाड़े पुलिस से पंगा लेने की हिम्मत सिर्फ वही शख्स कर सकता है। ये समीर गुप्ता वही है ना जिसकी माँ स्कूल में प्रिंसिपल थी? हाँ, गायत्री देवी, याद आया। सुना है कॉलेज के जमाने से ही इसका झुकाव क्राइम की तरफ था। किसी ड्रग के केस में ये जेल गया था और जेल से छूटते सीधा मुंबई, और मुंबई आकर भी जुर्म की दुनिया से कहां बच पाया सर वो। दिन रात जेब में रिवॉल्वर रखकर जीने वालों में से है समीर। देखो ना, इसका भाई कितना शरीफ है लेकिन किस्मत का मारा हुआ। आप राजीव की बात कर रहे हैं ना? हाँ। क्या हुआ उसकी किस्मत को? सुना है उसकी बीवी की डेथ हो गई थी और उसने उसकी बीवी की बहन से शादी कर ली थी। अभी शादी किए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक उसकी पहली बीवी वापस आ गई। क्या बात है सुनाए, लगता है तुम्हारे दिमाग पर अभी तक समीर गुप्ता छाया हुआ है। समीर नहीं सर, समीर को कैसे पकड़ा जाए ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है। देखो, अब तो उसने तुम्हारा प्राइम विटनेस ही खत्म कर दिया, अब इस केस में आगे बढ़ना जरा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल जरूर होगी सर, लेकिन और भी रास्ते निकलेंगे। वो कार जिससे टकराकर यादव की मौत हुई, उसका नंबर है हमारे पास, जो हमें समीर तक पहुंचने में मदद करेगा। जवान, क्या काम है? मिलना है। किससे मिलना है? वही देखिए, मिलने तो आए थे समीर गुप्ता से, लेकिन आपको देख के आइडिया चेंज कर दिया। रहने दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपको इस वक्त जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं आ। आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, कहना चाह नहीं रहे हैं, कह रहे हैं। नाम क्या आपका? अरे नाम ही तो पूछा है, कुछ और थोड़े ना पूछा है। सोनिया। सोनिया, बहुत ही सुंदर नाम। तो क्या है सोनिया जी, कि अपनी इन सुंदर कमल नैनों से जो आप कंप्यूटर को घूर रही हैं, उससे आंख खराब हो सकता है। और ये रिसेप्शनिस्ट का जॉब करके क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हैं? For your kind information, मैं यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट नहीं, सेक्रेटरी हूँ। अरे कुछ भी हो, हीरोइन तो नहीं है ना? सेक्रेटरी और क्रेटरी का जॉब करके आप अपनी जिंदगी कूड़ा कर रही हैं। आपको मेरी जिंदगी से क्या मतलब? अरे मतलब है भाई, आप हीरा हैं, कोहिनूर हीरा। और हीरा खान में ही चमकेगा तो क्या फायदा? बस एक फोटो सेशन हमसे करा लीजिए, बस फिर देखिएगा, पूरे फिल्म इंडस्ट्री का चमकता हुआ सितारा बना देंगे आपको। ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर और रवीना टंडन सब इन्हीं आंखों के लेंस से गुजरे हैं। अगर आप अपनी तारीफ करना बंद कर चुके हो तो अंदर जा सकते हैं। अरे अपनी कहां, हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। इन आंखों ने जो देखा, जो महसूस किया, कह दिए। देखिए मिस्टर, मेरे मुंह लगने की कोशिश मत कीजिए, वरना ना तो ये आंखें रहेंगी निहारने वाली और ना ही ये जुबान रहेगी जिसपे आप इतना टकर टकर कर रहे हैं। ओके, कूल बेबी कूल। अच्छा, समीर जी का ऑफिस वही वाला है ना जहां पहले आया था मैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं?
मुझे बड़ा इजाजत मांगने की क्या जरूरत है? इस ऑफिस में आने से कोई मुझे क्यों मना करेगा? काम की बात कर राजा। काम ही की बात कर रहे हैं भाई। सफेद कलर के एम्बेसडर को ठिकाने लगा दिया है। ये लो तुम्हारी अमानत। तुम भी अपनी कीमत ले लो। क्या है कि मेरा भाव जरा कम लगा रहे हो? अपना रेट भी थोड़ा मुंबई के हिसाब से है। 3 राउंड फायर किया है इस तमंचे से और अपना रेट तो फिक्स है। पर राउंड 5,000 फिक्स रेट। और फिर इतनी बड़ी गाड़ी को भी तो ठिकाने लगाया। ये हुई ना बात। बड़ा अच्छा रहता है डील करने में ऐसे समझदार लोगों के साथ। काम बहुत अच्छा कर लेता तू, लेकिन बहुत लालची आदमी। ना, लालच की बात मत कर। अरे लालच करके क्या करेगा जिंदगी में आदमी? मैं बताता हूँ क्या बात। कुछ लोगों को शौक होता है डाक टिकट इकट्ठे करने का, कुछ लोगों को शौक होता है कॉइन इकट्ठे करने का, मुझे शौक है कलरफुल नोट इकट्ठे करने का, जो तुम्हारी मार्फत करता हूँ। समझे कि नहीं? जय राम जी की। कातिल तुम्हें पुकारूं या जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि तुमको क्या कहूं। Disgusting! कुछ भी कहिए, बड़ी लाजवाब हैं आप। देख रहा हूँ सर, अभी मिल जाएगा रिकॉर्ड। पुलिस डिपार्टमेंट से फोन आया था, पर हमने सोचा कि आपने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है? एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ही तो मांगी है पुलिस डिपार्टमेंट ने, है ना? इसी लापरवाही की वजह से हमारे देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जरा जल्दी कीजिए प्लीज। सर वो क्या है कि इतने बड़े अफसर मेरे सामने खड़े हैं ना, तो हिचकिचाहट हो रही थी सर। तो मैं हट जाता हूँ आपके सामने। नहीं सर, मैं देख रहा हूँ सर, अभी मिल जाएगा। जी सर, मिल गया। मिल गया? किसके नाम पे? सर किसी मिस्टर गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है। बस, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन सर पूरा नाम तो सुन लीजिए सर। इतना काम तो मैं खुद भी कर लूंगा। थैंक यू बाबा, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। मिस्टर राजीव गुप्ता जी, मैं ACP शिनॉय। मेरे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। क्या क्या मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट? यस मिस्टर राजीव गुप्ता। मैंने क्या जुर्म किया है? आपको सरकारी गवाह की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम अपनी पूरी तहकीकात के बाद आप तक पहुंचे हैं। 2 दिन पहले एक सफेद एम्बेसडर कार जिसका नंबर 8901 है, सरकारी गवाह यादव लाल को कुचलकर चली गई। यादव ने मौका वारदात पर दम तोड़ दिया। वो एक दोहरी हत्या के मामले में हमारा चश्मदीद गवाह था। लेकिन ये सब का मुझसे क्या लेना देना? लेना देना है मिस्टर राजीव गुप्ता, तभी तो हम आपको लेने आए। देखिए मैं बेकसूर हूं, आप ये क्या बात कर रहे हैं? वो सफेद एम्बेसडर कार RTO में आपके नाम से रजिस्टर्ड है। लेकिन मेरे पास कोई सफेद एम्बेसडर कार नहीं है। तो क्या ये पेपर्स में झूठ बोल रहे हैं? ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए किसके नाम से रजिस्टर्ड है वो कार।
मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में चलने की बात करें तो बेहतर होगा मिस्टर राजीव गुप्ता। हाँ बोलो संजय। सर एक बहुत बुरी खबर है, पुलिस हमारे ऑफिस में आई थी और राजीव गुप्ता को अरेस्ट करके ले गई। तो इसमें बुरी खबर क्या है? सर हमारे कंपनी के एमडी को पुलिस अरेस्ट करके चली गई। हमारी कंपनी की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई ना, अब कौन हमारे साथ बिजनेस करेगा? पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। ये तो काफी बुरी बात है संजय। वैसे इस खबर से एक आदमी का बहुत फायदा होने वाला है। मैं समझा नहीं सर, किसका? तुम्हारा। क्या? मेरा? मैं कुछ समझ नहीं पाया सर। अब देखो यार, इस कंपनी के एमडी को राजीव गुप्ता को पुलिस पकड़ के ले गई, उसकी सीट खाली हो गई है और उस सीट पे उसकी जगह किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी, और उस किसी ना किसी का नाम संजय चौधरी भी तो हो सकता है। थैंक यू सर। Thank you so much.